हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2023 के 16वें मैच के बारे में। जी हां दोस्तों, ये मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। तो यहां पे हम बात करेंगे इस मैच की 6 ग्रैंड लीग की टीमों के बारे में। कैसे आप इस मैच की 6 ग्रैंड लीग की बेहतर से बेहतर फैंटेसी टीम बना सकते हैं, जिससे कम से कम आपकी एक टीम टॉप 10 में रैंक बन पे जाए और आपको अच्छा खासा पैसा विन करके ला के दे। दोस्तों आपको क्या करना है, पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखनी है, एक भी सेकेंड वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कौन सी टीम पहले बैटिंग करती है तब आपको किन प्लेयर्स को ड्रॉप करना है और कौन सी टीम बाद में बैटिंग करती है तब किन प्लेयर्स को रखना है, बॉलर्स को कब कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा है, किन बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। सही से बात है कि मैं ग्रैंड लीग की जो टीम्स हैं वो बना के लाया हूँ, इन टीमों को दिखा के आपको समझाऊंगा, एक लॉजिक बताऊंगा किस तरह से आपको ग्रैंड लीग की टीमें बनानी है। ये टीम पहले बैटिंग करती है तब किस तरह की टीमें बनानी है, ये टीम पहले बैटिंग करती है तो किस तरह की टीमें बनानी है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट पे ध्यान नहीं देना, मैं जो लॉजिक समझाऊंगा वो लॉजिक समझना है। अगर उस लॉजिक पे आप ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे और लगातार मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो मैं कहता हूं आप 4 से 5 ग्रैंड लीग अभी बचे हुए आईपीएल मैचेस में विन कर सकते हैं। तो सभी लोग क्या करो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ग्रैंड लीग विन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता है तो बाद में भी आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कहता हूँ आपको सारी वीडियोज पसंद आएंगी, सारा लॉजिक पसंद आएगा और आपकी आज से ही रैंक इम्प्रूव होगी, हो सकता हो आज ही आप ग्रैंड लीग विन कर जाएं। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले चलेंगे दोनों टीमों की प्रोबेबली प्लेइंग 11 देखेंगे एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में उससे क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रंप प्लेयर्स देखेंगे, उससे ये होगा कि हमको ग्रैंड लीग की जो टीम्स है ये बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जब हमको बैटिंग ऑर्डर पता होगा, प्लेइंग 11 पता होगी, कन्फर्म प्लेइंग 11 तो नहीं पता होगी लेकिन प्रोबेबली प्लेइंग 11 पता होगी, उस पर भी जो मैं लॉजिक बताऊंगा वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, हर चीज़ समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से कोशिश करूंगा। चलते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को लेके। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे छूट गई, जो लोग स्मॉल लीग खेलते हैं या 3 मेंबर 4 मेंबर खेलते हैं तो उनके लिए भी कुछ टिप्स लेके आया हूँ और 3 मेंबर 4 मेंबर की एक टीम भी बना के लाया हूँ, बेस्ट टीम, और उसमें एक दो ट्रंप प्लेयर यूज़ किया हूँ जो कि बहुत कम लोगों ने रखे हैं, आज के मैच में वो परफॉर्म कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़े अलग बना के लाया हूँ। तो 3 मेंबर 4 मेंबर स्मॉल लीग वाले भी ध्यान से वीडियो को देखें। रोहित शर्मा और ईशान किशन मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करते दिख सकते हैं। 3 नंबर पे कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, हो सकता है बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाए कि सूर्य कुमार यादव 3 नंबर, 4 नंबर पे कैमरन ग्रीन हो जाए। फिर एन तिलक वर्मा, टिम डेविड, शौकीन, अर्शद खान, पीयूष चावला, जोफ्रा आर्चर, जैसन बहरनडॉर्फ, इनके पास ऑप्शन है डिवॉल्ड ब्रेविस का, ट्रिस्टन स्टब्स का, ठीक है, इन प्लेयर्स को टीम खिला सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगर इनकी प्लेइंग 11 में कोई चेंज होता है, मुझे अपडेट मिलती है, जैसे जोफ्रा आर्चर का कंफर्म नहीं है लेकिन अगर खेलते हैं तो मैं रख दिया हूँ, चांस है खेल सकते हैं तो मैं रख दिया हूँ, बाकी अगर कोई अपडेट आती है नहीं खेलेंगे तो मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। जोफ्रा आर्चर अगर खेलेंगे शुरुआत में बहरनडॉर्फ के साथ बॉलिंग करते दिखेंगे और पहला ओवर बहरनडॉर्फ लाते दिख सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तगड़े स्विंग बॉलर हैं। बहरनडॉर्फ और जोफ्रा आर्चर ये आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते दिख सकते हैं और इनके पास बॉलिंग में बहुत तगड़ा वो नहीं है, कैमरन ग्रीन है, ठीक है, एक दो बॉलर्स और हैं, बाकी स्पिन बॉलर्स हैं, ठीक है, बाकी बॉलिंग थोड़ी ये जोफ्रा आर्चर बहरनडॉर्फ दिख रहे हैं, बाकी बॉलर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, रायले मेडिथ का शायद ऑप्शन है इनके पास, ठीक है। बाकी दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर, तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह आपको ओपनिंग करते दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, टीम चाहे रायली रूसो और रोमन पॉवेल में से एक प्लेयर को बिठा के फिलिप साल्ट को ला सकती है क्योंकि वो तगड़े ओपनर है और पृथ्वी शाह लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो ये एक चेंज हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, हो सकता है। अगर होता है फिलिप साल्ट आते हैं तो फिलिप साल्ट तगड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छा पावर प्ले खेलते हैं, जी हाँ दोस्तों, हर गेंद को अच्छे से हिट करते हैं, तो ये एक चीज़ हो सकती है। दोस्तों अगर फिलिप साल्ट खेलते हैं तो उनको एक दो टीमों में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना, बाकी मनीष पांडे, रायली रूसो, ललित यादव, रोमन पॉवेल, अभिषेक पोरल,
अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, अनिल नारजे। एक प्लेयर है कुलदीप यादव जिसकी इस मैच में परफॉर्मेंस आएगी, 2 या 3 विकेट लेके जाएगा कुलदीप यादव, ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना। खलील अहमद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आके बॉलिंग कर सकते हैं शुरुआत में पावर प्ले में, मुकेश कुमार कर सकते हैं नारजे और डेथ में, नारजे शुरुआत में पावर प्ले में भी बॉलिंग करते दिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनकी टीम में भी अगर कोई चेंज होता है, अपडेट मिलती है तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। कुछ ग्रैंड लीग के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले नाम रखा हूँ कैमरन ग्रीन का। ये कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं? ये वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिनको आप ग्रैंड लीग में रोटेट करके कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो कैमरन ग्रीन का नाम मैं रखा हूँ, ईशान किशन का नाम है, ठीक है, ईशान किशन अच्छा कर सकते हैं इस मैच में, रोहित शर्मा अच्छा कर सकते हैं, नार्थकिया अच्छा कर सकते हैं, जैसन बहरनडॉर्फ, जॉफ्रा आर्चर, राइली रूसो। ग्रैंड लीग के जो कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे दोनों इन्हीं प्लेयर्स में से होंगे। बाकी यहाँ पे एक नाम ड्रॉप है, सूर्य कुमार यादव, जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए, वो भी आज के मैच के लिए बहुत बेहतर है। शायद रखा नहीं हूँ लेकिन आप लोग, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखना कि सूर्य कुमार यादव का भी स्क्रीनशॉट करके इसको करना, तो ये सूर्य कुमार यादव भी इसी लिस्ट में है, ठीक है, ये भी अच्छा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप एक बेस्ट फैंटेसी ऐप की तलाश में आपको नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगा जाके आप बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब आपको डाउनलोड क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है। अगर आप स्मॉल लीग 3 मेंबर 4 मेंबर खेल रहे हैं, 100 कांटेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं मान लीजिए, अदर ऐप पे अगर आप 100 से 60 विन कर पा रहे तो यहाँ पे 80 से 85 ही विन कर पाएंगे, ठीक है, इतना कम कंपटीशन है। यहाँ पे चल रहा है 39 IPL, ये वाला कोड चल रहा है, 1000 अगर डिपॉजिट करते हैं ये वाला कोड यूज करते हैं तो 39 वाला जो मेगा लीग है वो फ्री मिलेगा। 10 IPL यूज़ करते हैं तो आपको बाजीगर टिकट फ्री मिलेगा, 200 ही डिपॉजिट करना है। अगर आप अच्छा खासा डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं, 100 से 1 लाख के बीच आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको 3% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा अगर ये वाला डिपॉजिट कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। 3% एक्स्ट्रा रियल कैश का मतलब है पूरा हर एक लीग में उस एक्स्ट्रा कैश को यूज कर सकते हैं। 39 रुपये में आपको मिलती है 5 लाख की ग्रैंड लीग, जिसमें 70 से 80 90 हज़ार रुपये फर्स्ट प्राइज होता है। अगर आप यहाँ पे यहाँ पे कंपटीशन कम है, 5-6 टीमों के साथ जा रहे हैं ग्रैंड लीग में, तो आसानी से वो 70-80-90 हज़ार विन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा चांस है, आप लोग यहाँ पे ग्रैंड लीग भी खेल सकते हैं, वो भी 100% बोनस के साथ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन चलते रहते हैं देख सकते हैं, ओपिनियन ट्रेडिंग के क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेडिक्टर का फीचर है। मुंबई दिल्ली के खिलाफ T20 मैच जीतेगी, सिर्फ हाँ या ना में आपको ओपिनियन देना है और आसानी से आप विन कर सकते हैं। मुंबई दिल्ली के मैच में पहले ओवर में 7 या इससे अधिक रन बनेंगे, कैमरन ग्रीन कितना स्कोर करेंगे, कितने विकेट लेंगे, जी हाँ दोस्तों रोहित शर्मा 24 या इससे अधिक रन करेंगे, 24, तो हाँ या ना में इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनको आपको जवाब देना है और आप लाइव बहुत सारा पैसा विन कर सकते हैं। बहुत बेहतर ऑप्शन फीचर लगता है, तो सभी लोग जाके बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा, सभी लोग डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं एक बेस्ट फैंटेसी टीम के बारे में, तो बल्लेबाजी की एक बेस्ट फैंटेसी टीम मैं बना के रखा हूँ जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में ईशान किशन लिया, सूर्य कुमार यादव लिया, राइली रूसो लिया, डेविड वार्नर लिया, रोहित शर्मा लिया, अक्षर पटेल लिया, कैमरन ग्रीन लिया, जॉफ्रा आर्चर लिया, नारजे लिया, जैसन बहरनडॉर्फ लिया, कुलदीप यादव लिया, ये कुछ प्लेयर्स लिए। हमने कैमरन ग्रीन को कैप्टन किया, ईशान किशन को वाइस कैप्टन, क्योंकि ईशान किशन मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा करेंगे और कैमरन ग्रीन अच्छा करेंगे। एक ऑप्शन मुझे लग रहा है कि कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस ठीक ठाक अच्छी परफॉर्मेंस आएगी इस मैच में, तो कुलदीप यादव पे थोड़ा फोकस रखना, जिस तरह से मैं कल राहुल त्रिपाठी का नाम रट रहा था और राहुल त्रिपाठी की परफॉर्मेंस आई उसी तरह से मुझे लग रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आप तो ध्यान रखना। बाकी ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, स्मॉल लीग की भी टीम फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे लाइक करने के लिए, आपका भाई इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है यार, सिंपल लाइक करना, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, इसमें क्या इतना सोच रहे हो यार, भाई यार सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल आपको फ़ायदा देगा, सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम्स की बात कर लेते हैं, तो ग्रैंड लीग की टीम यहाँ पे जो मैं पहली बना के रखा हूँ उसकी बात करते हैं, तो पहली टीम यहाँ से आप देख सकते हैं, हमने दोनों टीमों को जब कंपेयर किया, हमने प्लेइंग 11 देखी, हर एक चीज़ देखी, तो बॉलिंग थोड़ी दिल्ली कैपिटल्स की तगड़ी दिखी, लेकिन हमको क्या दिखा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पच थोड़ा मुंबई इंडियंस का, उनके जो ओपनिंग पेयर है वो ठीक ठाक है मुंबई इंडियंस का, भले ही नहीं चल रहा है शुरुआत के मैचे में, लेकिन किसी मैच में धमाका करने वाला है ये ओपनिंग पेयर, बड़ी साझेदारी करने वाला है, हो सकता है वो यही मैच हो।
तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर पहले बैटिंग करती है दिल्ली, रायली, रूसो, डेविड वार्नर, ललित यादव, अक्षर पटेल, ये कुछ प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं और ये परफॉर्मेंस करते हैं, मान लीजिए दिल्ली की टीम 8 विकेट 9 विकेट दे देती है या फिर ऑल आउट हो जाती है। अगर ऑल आउट होगी तो ये हमारे जितने भी बॉलर मुंबई इंडियंस के सारे विकेट लेते दिखे हैं। अब अगर ये सारे बॉलर्स विकेट्स लेंगे तो ये दोस्तों हमारी टीम पहले से ही रैंक कर चुकी होगी अगर ललित यादव स्कोर करेंगे, ठीक है। अब उस स्कोर को चेंज करते हुए अगर इन दोनों प्लेयर्स के बीच बड़ी साझेदारी हो गई, जैसे फाफ टू प्लेसिस और विराट कोहली ने की, अगर बड़ी साझेदारी हो गई, हो सकता हो ये दो प्लेयर स्कोर ओपनिंग से चेंज कर लें, पॉसिबल है, हो सकता है, होता है, बहुत बार होता है, हम लोग सोचते नहीं लेकिन हो जाता है, और पता चला है हमने टीम नहीं बनाई थी, फिर बाद में बहुत पछताते हैं। तो आपको इस तरह की टीम भैया हर एक मैच में बनानी है, आईपीएल के हर एक मैच में, नहीं तो आप जिस दिन भी 10 विकेट से कोई मैच विन करेगी आप क्या करेंगे, पछताएंगे। तो इस तरह की टीम आपको तब बनानी है जब मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग करती है बाद में बैटिंग करती है, बेहतर हो सकती है, कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टीम जो मैंने बनाई हुई है, अगर कैमरन ग्रीन कहीं ना कहीं 3 नंबर पे आते हैं और मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग करते हैं, देखिए मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने पहले बॉलिंग करी और कैमरन ग्रीन ने लिए 3 विकेट, जेसन बहरन डॉर्फ ने लिए 3 विकेट, अब ये दोनों प्लेयर्स हमारे पास हैं। उसके बाद चेंज करते हो, ईशान किशन ने परफॉर्मेंस दिया, रोहित शर्मा ने, कैमरन ग्रीन आया और इन्होंने 35 से 40 का स्कोर भी कर दिया, अब ये कैप्टन है तो इनके साथ आप, कोई ज़रूरी नहीं है बहरन डॉर्फ को ही ट्राई करना है, आप जोफ्रा आर्चर को कैमरन ग्रीन के साथ ट्राई कर सकते हैं अगर खेलते हैं, ठीक है। तो ये टीम आपको कब ट्राई करनी है, जो मुंबई की पहले बॉलिंग आती है, ये टीम देखिए, ये टीम देख लीजिए पूरी, और टीम नंबर 2, टीम नंबर 1 भी देख लीजिए, ये टीम, इस तरह की टीम आपको तब ट्राई करना है जो मुंबई की पहले बॉलिंग आती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टीम जो मैंने यहाँ पर बताई हुई है उसमें हमने क्या किया है, सूर्य कुमार यादव, देखिए रोहित शर्मा अगर फ्लॉप होते हैं तो विकेट नारदीजे के साथ जाएगा या अक्षर पटेल के साथ जाएगा, और रोहित शर्मा अगर फ्लॉप होंगे तो सूर्य कुमार यादव की अच्छी बड़ी तगड़ी बड़ी परफॉर्मेंस आ सकती है, तो ये कैप्टन है, विधेयर से रेली रोसो अच्छा कर सकते हैं, तो ये दोनों प्लेयर्स कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेहतर है, इस तरह की टीम भी ग्रैंड लीग के लिए बेहतर हो सकती है, रैंक कर सकती है, अगर मुंबई की बाद में बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर लेना, मुंबई की बाद में बैटिंग आती है तो ट्राई कर लेना, बेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 टीमें आपको तब ट्राई करनी है जो मुंबई की पहले बॉलिंग आए बाद में बैटिंग आए, 1, 2, 3, और बैकअप प्लेयर पे अगर, हाँ देखिए ये जो बैकअप प्लेयर वाला सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके सभी लोग बताना, ध्यान रखना, याद रखना, कमेंट कर लेना, कमेंट करके बताना, तो मैं बैकअप प्लेयर वाला सिस्टम अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा 5-7 मिनट की, और जो कि सारे लोग देख लेंगे उसको आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, एक बार में ही समझ आ जाएगा अच्छे से। अगली टीम जो मैं बना के रखा हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे पहले बैटिंग करती है मुंबई इंडियंस तो मुझे लग रहा है सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन्स आएंगे, रन्स बरसेंगे, रन्स आएंगे नहीं, ठीक है। तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन है और फिर जोफ्रा आर्चर 3 या 4 विकेट भी लेंगे, अगर ये तीनों प्लेयर्स चले चारों तो स्कोर 200+ बनेगा, 200+ बनेगा तो चेंज करते हुए दिल्ली के जोफ्रा आर्चर 3 विकेट लेंगे, तो इस तरह की टीम ग्रैंड लीग में बेहतर होगी, अगर मुंबई पहले बैटिंग करेगी तो आप इस तरह की टीम भी ट्राई करना। देखिए ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव इन दोनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर बड़ी इनिंग खेलेगा वो भी 70-80 रन की, ठीक है, तो आप इस चीज़ पर फोकस रखना। अगली टीम मैंने जो बना के रखी वो भी मुंबई इंडियंस के पक्ष में, अगर मान लीजिए यहाँ रोहित शर्मा, कैमरन ग्रीन दोनों चल जाते हैं, पहले बैटिंग करते हैं मुंबई इंडियंस और ये दोनों प्लेयर्स चल जाते हैं, बड़ी इनिंग खेल देते हैं, बेहतर इनिंग्स खेल देते हैं, मान लीजिए रोहित शर्मा के 70-80-90 और 50+60-70 इनके, कैमरन ग्रीन के भी हो जाते हैं, तो इस तरह की टीम भी ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेहतर है, अगर मुंबई पहले बैटिंग करती है तो आप एक टीम ट्राई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है, रैंक करने वाला हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, और इस तरह की टीम कई बार रैंक करती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने किया गया, रोहित शर्मा को कैप्टन किया, रोहित शर्मा, ईशान किशन आएंगे ओपनिंग, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों प्लेयर्स ओपनिंग आएंगे, ईशान किशन 35-40 रन बना के आउट हुए, रोहित शर्मा खेलते रहे, रोहित शर्मा आए कैमरन ग्रीन रोहित शर्मा के बीच हुई साझेदारी 70-80 के रोहित शर्मा ने, 35-40 के यहाँ पे इन्होंने
ठीक है, और स्कोर 200 के ऊपर बना। और विकेट जब गिरे तो 17-18 ओवर के बाद गिरे, जो प्लेयर्स आए बाद में उन्होंने 10-15-20 रन किए। ठीक है, तो जो विकेट्स गिरेंगे वो कुलदीप यादव, नारतजे, अक्षर पटेल इनके साथ जा सकते हैं। उसके बाद चेंज करते हुए अगर टीम फ्लॉप होगी तो हमारे पास बहरन डॉर्फ है, कैमरन ग्रीन है, पीयूष चावला है, जाफर आर्चर, ये सारे विकेट्स लेंगे। रामन पॉवेल, डेविड वार्नर ये कुछ परफॉर्म गेंस देते हैं, तो इस तरह की टीम ग्रैंड लीग में बेहतर हो सकती है। अगर मुंबई की पहले बैटिंग आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। टीम नंबर 6 मैंने बनाई हुई है, हाई रिस्क की टीम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर पहले बॉलिंग आती है, वही बात है, पहले बॉलिंग आती है दिल्ली की, तो आप कुलदीप यादव को वाइस कैप्टन करना, 3 विकेट इनके आएंगे अगर पहले बॉलिंग आएगी। फिर पृथ्वी शाह की एक बड़ी इनिंग आ सकती है जिसको हम 70-80-90 की कह सकते हैं। तो इस तरह की टीम वाकई बहुत बेहतर होगी, मेगा ग्रैंड लीग वाली होगी अगर पहले बॉलिंग करेगी दिल्ली कैपिटल्स, तो इस तरह की टीम बहुत बेहतर होगी, रैंक करने वाली टीम होगी। फिर नारतजे, पृथ्वी शाह, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पृथ्वी शाह नहीं खेलते, फिलिप साल्ट को खिला लेती है रासो या पॉवेल में से एक प्लेयर को बिठा के, तो फिलिप साल्ट करेंगे ओपनिंग। ठीक है, और ओपनिंग करेंगे फिलिप साल्ट तो वो भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं, अगर चल गए तो बहुत अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। तो उनको कैप्टन कर लेना पृथ्वी शाह की जगह, सेम टीम में पृथ्वी शाह की जगह फिलिप साल्ट को लेके कैप्टन कर लेना। तो ये हो गई एक टीम, ये जो बाद वाली 3 टीमें हैं, 4, 5, 6, ये टीमें तब ट्राई करना जो मुंबई की पहले बैटिंग आती है, और मुंबई की पहले बैटिंग बॉलिंग आती है तो 1, 2, 3 नंबर टीमें हैं। ठीक है, वो उस तरह की टीमें ट्राई करना। ठीक है, बाकी आप बैक करके देख सकते हैं टीमें। आगे जो हमें 7 नंबर एक टीम बना के रखा हूँ, उसमें मैं 2 बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई किया हूँ। ठीक है, मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, 2 बेस्ट बॉलर, मान लीजिए जोफ्रा आर्चर 3 या 4 विकेट लेके जाते और इधर से नारतजे 3 या 4 विकेट ले लेते, तो 2 बेस्ट बॉलर को अलग अलग मतलब दूसरी तरफ के कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाली भी टीम भी बेहतर हो सकती है। और हालांकि आप एक टीम में कुलदीप यादव को कैप्टन और दूसरे कुलदीप यादव के साथ जोफ्रा आर्चर को वाइस कैप्टन या कैमरन ग्रीन को वाइस कैप्टन ये भी बना सकते हैं, कुलदीप यादव और कैमरन ग्रीन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि ये कुलदीप यादव मुझे लग रहा है अच्छा करेंगे। बाकी मैं जोफ्रा आर्चर और नारतजे, 2 पेस अच्छे तेज गेंदबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया हूँ। इस तरह की टीम ग्रैंड लीग में बेहतर हो सकती है, रैंक कर सकती है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये टीम कोई भी टीम पहले बॉलिंग करे, कोई टीम पहले बैटिंग करे, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो टीमें वो हैं उनको आप 3 टीमों को 6 टीमों में खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने टीमें यहाँ पे आपको शेयर करी है, इनको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके लगा देते हैं, तो कॉपी पेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ आपको टीम खुद से बनानी है, जो लॉजिक में बताएं उस लॉजिक पे आप 1-2 प्लेयर्स को चेंज करके टीम खुद की रखिए। ये टीम बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करिए, टीमें आपकी रैंक करेंगी, बेहतर होंगी, और सब चीज़ मैं बता दूंगा। बाकी जो मैं फाइनल ग्रैंड लीग की टीम्स बनाता हूँ खुद की, ठीक है, उसमें से मतलब 7-8 टीमें या 6 टीमें जो भी मैंने बनाई, उसमें से 1-2 या 3-4 जो टीमें मुझे बेस्ट लगती हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। बहुत लोग विन कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल से, जो लोग जुड़े हुए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, देरी मत करो। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को वीडियो पसंद आई है, सभी लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लो। बाकी दोस्तों कमेंट क्या करना है, कमेंट ये करना है आपको, जी हाँ दोस्तों, ये जो ऐड बैकअप प्लेयर वाला सिस्टम आया, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, बाकी एक चीज़ बताना है, जैसी वीडियो लगे, अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट, खराब लगी तो खराब कमेंट, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जिसने भी बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो बल्लेबाजी ऐप की जो फैंटेसी टीम होती है, फाइनल टीम, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। यहाँ पे एक बेहतरीन फीचर भी है, ये वाला फीचर बेहतरीन फीचर है, कौन सी टीम विन करेगी, हाँ या ना में जवाब देने वाला, तो सभी लोग बल्लेबाजी ऐप को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना और लाइक करना और चैनल को, बाकी अगर आपको मन करे, दिल करे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।